ठीक है, एक बार ध्यान से दोबारा सुन लो। फिजिकल फिटनेस, प्रैक्टिकल फाइल्स, उसमें आपका योगा से रिलेटेड होगा, फिटनेस से रिलेटेड आपका सारा होगा। फिटनेस में हम आपका स्किपिंग, ठीक है, जैसे रनिंग हमने ग्राउंड में नहीं, अगर हम जाते हैं हॉल में, यहाँ पे आपका सारा इंडोर होगा। फिर ग्रुप में आप आओगे, आपने स्किपिंग करनी है, जिसको आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है तो शेडो वाली करनी है। एटलीस्ट आपको 1 मिनट और ऐसे जॉग करना ही करना है। उसके बाद आपका डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हमने देखनी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फिटनेस लेवल क्या है, 30 सेकेंड्स में आप कितने पुशअप्स कर सकते हो। लिसन ऑल ऑफ यू, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सुमनदीप, खुशी, हाँ जी सुन रहे हो आप लोग? अर्जू, हाँ जी बोलो कुछ, यस नो तो बोला करो। ये बेटा ध्यान से, हाँ जी ध्यान ध्यान से आप लोग सुन लो सारे, क्या क्या आपने करना है प्रैक्टिकल्स में। देयर इज वन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। स्पोर्ट्स कॉलेज अगर नहीं जाते, इनकेस अगर तब तक सब कुछ सीख रहा है, तो वी हैव अ परमिशन, ठीक है, हमारे पास परमिशन है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे तो आप सब कुछ वहाँ पे इजीली आपको हो जाएगा, वहाँ पे लॉन्ग जंप पिट है, वो सब कुछ है, बट वो चीज़ें आपने नहीं की, ठीक है, आपने रनिंग नहीं की है, तो आप टाइमिंग से हम आपको नहीं कर सकते। आपने लॉन्ग जंप आपको अभी आप पता नहीं कैसे करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो हमारे इवेंट होते थे शॉर्ट पुट लॉन्ग जंप, बट आपने नहीं किया तो आप नहीं कर सकते उसको। तो इसीलिए हमने, उन्होंने भी बोला है जो सिलेबस आपका है, कि फिजिकल फिटनेस पे हमने टेस्ट लेना है आपका। तो दैट इज 30 सेकेंड आपको हमने बोलना पुशअप्स करो आप। गर्ल्स के लिए नीज बेंड करके, ठीक है, बॉयज का सीधा है। देन पुलअप्स, पुलअप्स भी आप नहीं करोगे, पुशअप्स, सिटअप्स, हाफ स्क्वाड, हाई नी एक्शंस, ठीक है, ये हमने 30 सेकेंड में काउंट करना है आपका। 30 सेकेंड में मैक्सिमम आप पुशअप कितने करते हो, सिटअप्स कितने करते हो, हाई नी, हाफ स्क्वाड, देन योर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, देन वन मोर इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। आपने सीधे खड़े होना है, ये प्रैक्टिस करनी है बेटा, सारे आप लोग भी सुन लो। यू हैव टू स्टैंड इन अ स्टेशनरी पोजिशन, वहां पे एक लाइन मार्क कर देनी है, देन यू हैव टू जंप फॉरवर्ड। तो आपका डिस्टेंस कितना है, दैट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ लोअर पोर्शन, जहाँ आपकी लेग्स की हम स्ट्रेंथ को चेक करना होता है, तो उसके लिए ये टेस्ट है। स्टैंडिंग पोजिशन में आपने खड़े होना है, कोई भाग के नहीं आना, वहीं से आपने क्या करना है, स्टैंडिंग में ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे बेंड करते हैं नीज को, आर्म्स को नीचे लेके, फिर इसको जितनी फास्ट आप अपवर्ड लेके आओगे, उतना आपको अपनी बॉडी को लिफ्ट करने में हेल्प मिलती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पोजिशन से अपनी बॉडी को लिफ्ट करना, ठीक है। जितना स्विंग आर्म्स को अपवर्ड करोगे, उतना आप आगे को अपनी बॉडी को लेके जाओगे। अभी आपने देखा है लॉन्ग जंप वगैरह किसी ने, नहीं, ट्रिपल जंप ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है उसने, गर्ल ने, ट्रिपल जंप का मोर देन 16 मीटर से ज्यादा था, और वो लास्ट ट्राई थी उसकी, लास्ट जंप देखो, तो उसमें वो करते हैं ये हाई आर्म बॉडी को आगे, इसकी टेक्निक होती है हिच किक, एयर में वो 2.5 स्टेप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकिलिंग, सेलिंग पहले होता था, अब साइकिलिंग करते हैं। उनको आपने ध्यान से देखना, जब वो एयर में जाते हैं तो उनके जो लेग्स होती है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, ऐसे उनके 2.5 स्टेप एयर में मूव करते हैं वो, उससे क्या होता है, एयर को पीछे मूव करते हैं, बॉडी को आगे लेके जाते हैं। एंड दैट टेक्निक इज ओनली इफ यू जंप मोर देन 6 मीटर, तभी आप कर सकते हो, जब आप एयर में थोड़ी देर रहोगे। ये नहीं कि आप 4 मीटर 5 मीटर कर रहे हो तो आप वो टेक्निक करोगे, अगर आप एयर में ज्यादा देर रहते हो तभी आप वो कर पाओगे, तभी आपके 2.5 स्टेप होते हैं वो, देन मोर देन 7 मीटर 6 से ऊपर वाले जो जाते हैं ना वो करते हैं, तो वो टेक्निक आपकी यूज होती है उसमें। इसीलिए हम स्टैंडिंग जंप कराते हैं कि आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी को चेक करते हैं। फिर देन देर इज ए वन मेडिसिन बॉल, एक मेडिसिन बॉल हमारे पास पड़ी है, दैट इज डिफरेंट, 1 kg 2 kg 3 kg, ठीक है, उसको आपने होल्ड करना है, आपने सीधे बैठ जाना है, ठीक है, उसको होल्ड करके ऐसे शोल्डर के ऊपर से आपने अपनी बॉडी को ऐसे पीछे पुश करना है, जितना पीछे लेके जाओगे आगे फेंकना है ऐसे, ठीक है, दैट इज योर शोल्डर स्ट्रेंथ, शोल्डर एंड बैक मसल्स, उससे हम वो चेक करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है शोल्डर की,
एंड बैक की, क्योंकि जब हम किसी चीज को थ्रो करते हैं तो ये नहीं कि आप शोल्डर ही यूज होता है, पूरा आपका बैक यूज होता है। हम जब शॉर्ट पुट को फेंकते हैं ये नहीं कि हमने शोल्डर हमारा यूज हो रही है, ठीक है। जब हम यहाँ से आते हैं तो पूरा आपका लोअर हिप से लेके ऊपर सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, प्लस आपका मोमेंटम जो आप स्विंग लेते हैं जितनी भी आप थ्रो करते हो। अब लेटेस्ट आपने जेवलिन में देखा, और जेवलिन थ्रो करके ऐसे और गिर रहे नीचे, आगे होता था खड़े खड़े आएंगे ऐसे फेंक रहे वहां पे खड़े हो गए, ये अपना एक दो स्टेप आगे आ गए। अब वो सारे आके यहाँ से इतना मोमेंटम गेन करते हैं कि उसको डाउनवर्ड अपनी बॉडी को उसके साथ काफी दूर तक ले जाने के लिए वो गिर जाते हैं आगे। शॉर्ट पुट में आपने देखा होगा रिंग के वो जब ऐसे डिस्को पुट करके घूमते हैं ना ऐसे, तो ऐसे ऊपर से उनका एक पूरा लेग का सर्कल एक और बन जाता है स्विंग के बाद में, टू कंट्रोल योर बॉडी, ठीक है। तो ये सारी फिटनेस की जो बैटरी है, जैसे सपोज आपने डिफरेंट टेस्ट बने, हमने किसी को भी जब सिलेक्शन लेते हैं ना स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, छोटे बच्चों की सिलेक्शन होती है। अब कोई छोटा बच्चा हमने लेना है 9 ईयर्स, ठीक है, वो मास्टर तो होगा नहीं उस गेम में, वो बिगनर्स होगा भी सीख रहा होता है, तो हम उसको कैसे उसकी फिटनेस पहले देखते हैं, ठीक है, उसकी फिटनेस लेवल देखेंगे, उसके रिफ्लेक्सेस देखेंगे। जो आपका भी खेलो इंडिया में सारा कुछ आ रहा है उसमें ये टेस्ट बैटरी ऐसी है, एक टैपिंग टेस्ट है, ठीक है। दो जैसे आपका राउंड शेप में ना प्लेट्स रख लेंगे आपके यहाँ पे, जैसे ये रखी है उसको आपने टैप करना है, टाइम वहां पे शुरू हो जाएगा, मोबाइल पे सारी ऐप फीड होती है, उससे वो देखते हैं कि उसके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट है बच्चे की, कितनी जल्दी वो टैपिंग करता है, ठीक है। उसको काउंट करते हैं 30 सेकंड में, वो बच्चे कहाँ काम आते हैं, जैसे लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, आपका बैडमिंटन हो गया, इन गेमों के लिए वो बच्चे बहुत अच्छे जिनके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट है, ठीक है। देन फ्लेमिंगो टेस्ट होता है, आपने ऐसे लेग्स को एक को होल्ड करना है ऐसे, दूसरे एंड से आपने टोज को टच करना है, एंड यू हैव टू मेक योर बैलेंस, ठीक है। उससे आपका कोऑर्डिनेशन का पता लगता है कि आपकी बॉडी में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। फर्स्ट टाइम क्या करोगे, जब आप पकड़ोगे ना ऐसे इसको, तो आप ऐसे 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 हिलोगे, अदरवाइज अगर आप ऐसे स्ट्रेट रखोगे ऐसे आर्म्स को आगे ले आओगे, यही आपको बैलेंस बनाएगा। आपने देखा होगा ना वो रोप पे डिफरेंट स्किल करते हैं, वो बैम्बूज रॉड लंबी होती है उसी से बैलेंस बनाते हैं, सेम यही आपने हैंड आगे लेके आना, स्लो 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 टोज को टच करना है, वहां पे स्टे करना है। तो ये सारे डिफरेंट टेस्ट हर बॉडी पार्ट के लिए बने हैं आपके। आपने अगर किसी को भी जज करना है, इन्होंने जो खेलो इंडिया लॉन्च किया है उसमें ये सारे टेस्ट कंपलसरी है। अब जब ये सारा आपका सही हो जाएगा सिस्टम, सब बच्चों का पूरे स्कूल का टेस्ट होगा वो, और वो रिकॉर्ड सीधा गवर्नमेंट के साथ आपका स्पोर्ट्स जो आपका साई सेंटर है उनके साथ अटैच होगा हर स्कूल का, वो वहां पे बैठ के बटन दबा के चेक कर सकते हैं इस बच्चे की हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है, इसके टेस्ट में कितने नंबर है, ईच एंड। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है ना, आप किसी स्कूल में भी जाते हो तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हो, सपोज अगर वो बच्चा किसी दूसरे स्कूल में भी शिफ्ट करता है वही कार्ड उसका दूसरे स्कूल में चला जाएगा। दिस इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी CBSE स्कूल ऑफ इंडिया, तो सारा आपका रिकॉर्ड आ जाएगा वहां से। उनका मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है, कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे आपका, जैसे हम आपको स्प्रिंट कराएंगे, आपका फ्लेमिंगो टेस्ट हो गया, आपका सिट एंड रीच टेस्ट हो गया, सीधे आपको नीचे लिटाएंगे, आगे एक बॉक्स बना होगा, आपने ऐसे जाके उसको टच करना है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ठीक है। देन आपका पुशअप्स कराएंगे, आप कितने करते हो, वो सारी चीजें जिसका इंडिया में बेस्ट होगा हर स्कूल का, उस बच्चे को वो कॉल करेंगे। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, टैलेंट को आपने सर्च करना है। अगर उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा, जैसे आपने हमने स्प्रिंट करानी है वहां पे, ठीक है, स्प्रिंट करानी है, तो वहां का अगर किसी का टाइम बहुत ही अच्छा आ रहा है तो फटाफट वो आपका उनके लाइमलाइट में आ जाएगा कि स्कूल में ये बच्चा है, इसका इतना अच्छा टाइम है। समटाइम स्कूल्स में क्या होता है, कह लो भाई मिस्टेक कह लो, कई बार आपका गलत भी आ जाता है, तो वो अपने आप चेक करेंगे कि वेदर ही और शी विल बी या दिस मच, उसका टाइम है क्या है क्या नहीं। उन बच्चों को प्रायोरिटी बेस पे, जिसको हम टैलेंट रिसर्च प्रोग्राम कह रहे हैं, वो मेन इसका मोटिव ही है कि आपका जो भी, अब जैसे कई आपके स्कूल्स ऐसे हैं, अब आपने अभी रिसेंटली 2 साल में देखा है गवर्नमेंट स्कूल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज हो गया,
जितनी एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में इस साल हुई है कभी नहीं हुई है, मतलब इन लैक्स बच्चा गया है गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप आपके किसी के पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव है वहाँ पे स्कूल्स में, हर स्कूल में उन्होंने ग्राउंड फैसिलिटीज वाइट वॉश कलर ये सारा पेंट किया, इतना पैसा है। तो बच्चे वहाँ पे सारे अपने उनको हर चीज हर फैसिलिटीज दे रहे हैं, इवन जैसे लैब की प्रॉब्लम होती थी ग्राउंड तो है ही उनके पास। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, जैसे आप आपने दिल्ली में देखा है ना जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आपके CBSE स्कूल से भी ज़्यादा वहाँ पे इवन डोनेशन जैसे देते थे ना वहाँ पे, अच्छे अच्छे स्कूलों में क्या होता है वहाँ पे डोनेशन देते हैं जी, कोई आपको एडमिशन नहीं मिल रही वो हाल आपका वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में हो गया, मतलब ये हाल हो गया है। इतना अच्छा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना दिया है हर चीज का, और अभी पता नहीं गॉड नोज वो उन्होंने एक प्रोजेक्ट रखा है डीम यूनिवर्सिटी, केजरीवाल ने और उनके सारे उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि एक स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनानी है जहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स वाले बच्चों को रखा जाएगा और उनको डिग्री दी जाएगी, उनको पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनका काम है आपने खेलना है और आपको पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं, और जो डिग्री उस यूनिवर्सिटी से दी जाएगी दैट इज इक्विवेलेंट टू जैसे आपका ग्रेजुएशन की होती है मास्टर डिग्री की होती है। अगर उनका वो प्लान देखो अभी, क्योंकि है एंटी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट करती है कि नहीं है, बट ये चीजें आने वाले टाइम में आपको मिलेगी। आपके प्राइम मिनिस्टर ने जैसे अभी देखा किया है सबको ऑनर किया है, तो इट विल बी श्योरली कि आपको आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स का और अच्छा अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट आपको होंगे प्रैक्टिकल में, ये आपको पता होना चाहिए सारे कि आपने क्या करना है उस दिन। आपके ये मत पूछना कोई आके कि हमको पता नहीं है, इसीलिए सिटअप्स पुशअप्स स्कीपिंग ठीक है और थ्रोइंग प्रैक्टिस घर पे कोई आपने कहीं बाहर हो कहीं हो कुछ आपके पास अगर थोड़ी कोई ईंट है ब्रिक है उसको ही प्रैक्टिस करते रहो फेंकने की, अगर बॉल है उसको फेंको ठीक है, उससे आपको कम से कम आपके आपको पता लग जाएगा थ्रो कैसे करनी है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल, इसमें कोई डाउट हो किसी को उसमें डाउट है प्रैक्टिकल में उस दिन मुझको मत बोलना हमने तो किया नहीं हमको पता नहीं है, ये सारी एक्टिविटीज आपको चलेगी। अभी आज कितनी डेट होगी 24, कितना टाइम अभी पड़ा है आपके पास कब है प्रैक्टिकल है 26 को है ना, तो बस शुरू हो जाओ अभी तक। हाँ जी यस बेटा यू हैव एनी डाउट, नो कितने सीटअप्स कर लेते हो देखा ही नहीं कभी गिरे नहीं सिटअप्स करने हैं पुशअप सिटअप्स पुलअप्स नहीं होगा यहाँ पुलअप्स का है नहीं ना कल आपने एलिमेंट्स लिखे थे ना एलिमेंट्स ऑफ योगा, फर्दर इसमें दो टॉपिक है आपके आसनास एंड प्राणायाम। आसनास क्या होता है आपको कल बताया था मैंने, इट इज अ बॉडी पोस्चर ठीक है, जो आप आसन करते हैं ये बॉडी डिफरेंट बॉडी का जो पोस्चर्स आप बनाते हो योगा करते हुए आसन जो करते हो दैट इज आसनास, ये आपके थ्री टाइप के होते हैं ये लिख लो आप। फर्दर वी डिवाइडेड दिस टाइप्स जो इसकी होती है आसनास की थ्री टाइप, एक मेडिटेटिव मेडिटेटिव जिसको हम बोलते हैं मेडिसिन से रिलेटेड मेडिकली आपको इम्प्रूवमेंट करती है मेडिटेटिव आसनास, देन रिलैक्सेटिव आसनास, देन कोरेक्टिव आसनास। इसमें आपको सिंपल एक एक वर्ड में आपको मैं आंसर पहले बता देता हूँ मीनिंग इसका। मेडिटेटिव मीन्स
आपने सीटिंग पोजीशन पे कोई भी आपने एक्टिविटी करनी है विदाउट मूविंग एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। स्टील पोजीशन पे जो हम काम करते हैं, पद्मासना हो गया, जैसे वज्र आसना हो गया, ठीक है, दैट इज रिलेटिव टू योर ध्यान मेडिटेशन से, ठीक है, मेडिटेटिव। देन आपका रिलैक्सेटिव, इसमें क्या होता है, यू आर रिलैक्सिंग योर बॉडी एंड माइंड, जो आपके मसल्स हैं उसको आप रिलैक्स करते हैं, जैसे जिसमें आप सारे आसन करने के बाद हम योगा में बोलते हैं ना शव आसन में लेट जाओ, बिल्कुल विश्राम, शव की तरह जो शव आसन में लेट जाते हैं, दैट इज रिलैक्सिंग योर होल बॉडी पार्ट, जो आपने एक्टिविटी की, जो मसल आपके कॉन्टेक्ट हुए उसको आप रिलैक्स करते हो, ठीक है। थर्ड वन इज करेक्टिव, मीन्स कि कोई भी आपको डिफॉर्मिटीज हैं, कोई ऑर्गेन्स में प्रॉब्लम है, उसको आप क्योर करने के लिए जो आसन करते हैं, दैट इज करेक्टिव, ठीक है। उसको आप, जैसे आपके ये बाबा जी ने डिबेट में कहा है कि मेरे पास ऐसी कुछ आपकी डिजीज है जिसका 100% डायग्नोज है, उसको मैं क्योर कर सकता हूँ, आप मेरे को पेशेंट दो, आपको मैंने कल भी जो बताया है सारी चीजें, तो डायबिटिक्स है, हाई बीपी है, ठीक है, उनको स्पॉन्डिलाइटिस का कोई है, और इवन उन्होंने तो बहुत सी ऐसी भी बोली है प्रॉब्लम्स जो जिनको है, जिन्होंने डॉक्टर के एक्सरे लेके वहां पे गए, ये प्रॉब्लम है, विद इन 2 months, 3 months, 6 months डूइंग दिस ऑल योगिक एक्सरसाइजेस, तो वो उनकी रिमूव हुई है प्रॉब्लम, तो दैट इज मतलब करेक्टिव आसनास, उसको हम किसी भी डिजीज को दूर करने के लिए करते हैं, उसके लिए डिफरेंट आसन हैं, जैसे हम ओबेसिटी को दूर करते हैं, बैक पेन के लिए, हाइट के लिए ताड़ आसन हैं, डाइजेशन के लिए वज्र आसन है, वो डिफरेंट जो आसन हैं उनके जो जो बेनिफिट्स हैं, इसी में बेटा प्राणायाम है, प्राणायाम का लिखो, प्राणायाम इट इज रिलेटेड विद योर ब्रीथिंग, मीन्स की ब्रीथिंग, ब्रीथ को कंट्रोल करना, दैट इज प्राणायाम, ये संस्कृत वर्ड है, प्राणा एंड आयाम, प्राणा एंड आयाम, सिंपल है, मतलब आपने अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, वो आपका प्राणायाम है। प्राणायाम में डिफरेंट आपके, जैसे कल भी आपको बताया था मैंने, ये लिख लो अनुलोम विलोम, 7-8 टाइप्स के ये आपके प्राणायाम है, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, अनुलोम विलोम, कपाल बाती, देन भ्रामरी, भ्रामरी सुना है नाम, नहीं सुना इतना तो करते रहते हैं वो, चलो मैं बताता हूँ, लिखो आप पहले, देन शीतली, देन शीतकारी, उज्जयी, भस्त्रिका, ये सारा दिन तो वो करते रहते हैं टीवी पे, आज से कर रहे हैं, कब से लगे हैं, अनुलोम विलोम पता है ना, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, उसके बाद कपाल भाती, पता है ना, सारा आपका इंटरकोस्टियल मसल यूज होते हैं, आपको एक्सहेल करना फोर्सफुली, लंग्स को एक्टिवेट करते हैं ज्यादा आप, ठीक है। ब्रह्मारी में, ब्रह्मरी में क्या होता है, जस्ट लाइक ए भंवरे की तरह बीज होती है ना, जैसे करती है, ऐसे आपने इस पे आईज पे रख लेना है, नोज पे, और आवाज निकालनी है उसकी तरह, ठीक है। ये सारी उन्होंने मतलब डिफरेंट, वो अब शीतली है, वो आपका सारा रिलेशन आपका सारा सांस से है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से, टंग को बाहर निकाल के आवाज निकालनी है, टीथ को जोड़ के, लिप्स आपको टंग को टीथ पे रखना है, फिर आवाज निकालनी है, ये डिफरेंट टाइप की उन्होंने मतलब एक इन्वेंट किए हैं, कि ये अगर आप करते हो प्राणायाम, तो आपका जितना भी इंटरकोस्टियल जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी आपका सिस्टम खराब है, वो सारा एकदम क्लीन हो जाएगा, बट अगर आप डेली करते हो, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, अगर आप कभी इसको करो, आप रेगुलर देखो आप करके, तो आपको अपने आप में बहुत ही अच्छा फील होगा, यू फील फ्रेश, और जब आपका इंटरनल सिस्टम क्लीन होगा, नेचुरली आपके कभी लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको
डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इवन डॉक्टर्स जो आपके वहां पे नहीं मानते हैं, ठीक है, जो कहते थे नहीं जी ये तो योग है क्या है, वो भी लोग वहां पे डेली करते हैं। आपने देखना बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है डॉक्टर है दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस योगिक एक्टिविटीज, इसका बहुत बेनिफिट है। तो ये प्राणायाम डिफरेंट टाइप्स का इसमें होता है। इसी में आपको आगे एक टॉपिक और रहता है, वो हम कल करेंगे, वो आपका लास्ट टॉपिक होगा। ये फर्स्ट 5 चैप्टर आपके हो गए, ठीक है, प्लस आपकी गेम, योगा के आसन आपने करने, एंड फिटनेस अपना सारा, ये सारा आपका नेक्स्ट कमिंग एग्जाम के